पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के MIT द्वारा बिना नोटिस दिए 2 दर्जन स्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। सभी कर्मचारी कॉलेज के गेट पर धरना देकर बैठ गए हैं। इन सबको ये कहकर हटा दिया गया कि अब कॉलेज प्रबंधन को उनकी जरूरत नहीं है, जिसके बाद से कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा किए गए तानाशाही फैसले के खिलाफ कर्मचारी यूनियन ने CO सिविल लाइन कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से गुहार लगाई कि उनके साथ किए गए तानाशाही रवैये की रिपोर्ट आला अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। इसके बाद सभी कर्मचारी न्याय की गुहार लगाने के लिए जिला अधिकारी आवास भी पहुँच गए। वहाँ पर जाकर भी एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग की गई, उनके साथ न्याय होना चाहिए। पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि शनिवार की देर रात 10 बजे 2 दर्जन कर्मचारियों को मेल पर कॉलेज प्रबंधन ने टर्मिनेशन लेटर भेज दिया। न इससे पहले कोई नोटिस दिया गया। इनमें से अधिकतर कर्मचारी 10-15 वर्षों से स्थायी तौर पर नौकरी कर रहे थे। अब उनके सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उन सब के परिवार हैं। इतने परिवारों के सामने आई परेशानी पर जब कॉलेज प्रबंधन से बात की गई तो कॉलेज मैनेजमेंट ने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। मेरा नाम ओमपाल सिंह है। अच्छा, क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं को लेकर आज आप यहाँ पर? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब इस आपके प्रश्न के उत्तर में कि हम MIT के कर्मचारी हैं। MIT संस्थान है यहाँ पर रामगंगा बिहार में। वहाँ जो प्रशासन है वो हमारे ऊपर लगभग 3 साल पहले से जो हमारी मांग है उनको दबाता चला जा रहा है और नए नए हथकंडे अपना के हमारा शोषण कर रहा है। और क्या कहना चाहिए, ये समझ लीजिए कि बहुत ही दिक्कत पैदा कर रहा है वो हमारे साथ में। क्या हुआ है आपके साथ? अब क्या हुआ हमारे साथ में? अब ये हुआ है कि हमारे 3 साल से उप श्रमायुक्त कार्यालय में बात चल रहा है। अब वहाँ जब वार्ता चल रही थी तो उस मध्य में ही हमारे 23 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। अब उसके कारण से हमने ये आंदोलन शुरू किया था, परंतु अभी भी उनकी हठधर्मी ज्यों के त्यों है, हमसे कोई वार्ता करने के लिए नहीं आया। अच्छा, अभी तक क्या कोई नोटिस रहा है? किस तरह, क्यों निकाला गया है, क्या वजह है? हाँ, उन्होंने ये कहा है कि हमने नियमानुसार आपको निकाला है, जबकि नियमानुसार ये होता है कि जब तक वार्ता चल रही होती है कहीं पे भी, उसके मध्य में आप नहीं निकाल सकते। और साथ में ये है कि जो AICT एक अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान है, उसके जरिए से नियम पारित होते हैं, तो जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको रेशियो के हिसाब से, स्टूडेंट के रेशियो के हिसाब से नहीं निकाल सकते। वो परमानेंट होते हैं, वो परमानेंट इस तौर पर होते हैं क्योंकि लैब्स जो हैं वो निश्चित होती हैं 10 या 10 से ज़्यादा, तो उसमें एक लैब असिस्टेंट, एक परिचारक, ये निश्चित हैं। अब वहाँ पे क्या कर रखा है, अगर हम EC डिपार्टमेंट का ही अगर उदाहरण लें तो उसमें ये है। नहीं, प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन अब किस बात, क्या कोई बात? प्रशासन तानाशाही कर रहा है। प्रशासन केवल तानाशाही कर रहा है, वो कम से कम व्यक्तियों के जरिए से मैक्सिमम काम लेना चाह रहा है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जितने हमारे साथी हैं जो निष्कासित हैं उनको वापस लिया जाए। प्रशासन से कोई बात की? वो आए नहीं हमसे वार्ता करने के लिए, आए नहीं। आज दूसरा दिन है, हमसे वार्ता करने के लिए कोई नहीं आया।